अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैम चलिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया। कोई काम नहीं बंडित तू चलिए पुरानी फाइल्स निकाल के और वो करके और इसको करने का हैप्पी बर्थडे टू यू। बताइए स्वर्गीय मंशाराम मालवी के नाम से एक सौगात दी गई है नगर निगम के माध्यम से हुआ है और आपने अभी जो है शुभारंभ किया है, किस तरह की सौगात दी गई है और आपका क्या कुछ कहना है जो कार्यक्रम को ले? स्वर्गीय मंशाराम मालवी जी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, देवास में उनकी पहचान रही है और अभी नगर निगम ने उनके नाम पर इस स्मारक को नामांकन किया है तो उसके लिए मैं सभी को, परिवार वालों को, सभी पत्रकार भाइयों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बताई। जी राजा साहब, ये मंशाराम मालवी जी थे और इसके पहले भी जो है स्वर्गीय सुभाष मोदी जी के नाम से भी एक मार्ग हुआ है और भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो दिवंगत हो चुके हैं, तो क्या उनके नाम से भी कुछ धरोहर रखी जाएगी ताकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो समझ सके कि किस तरह से संघर्ष भरी उन्होंने पत्रकारिता करी और कैसे उन्होंने सच्चाई से जो है कलम से जो है अपना जीवन कहीं ना कहीं व्यतीत किया? हमारी कोशिश रहती है कि हर एक व्यक्ति जो उल्लेखनीय काम कर चुके हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो पत्रकार हो या कोई दूसरा क्षेत्र भी हो, उनके नाम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकें। सबके लिए करना संभव नहीं होता है, पर कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दिवंगत आत्माओं को सम्मानित कर सकें जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है।